वेलकम बैक गाइस। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले इस वीडियो में। चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स क्लास 10th का मैथ का। और इससे पहले हमने 1.1 सॉल्व करी थी। अगर आपने 1.1 की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, गो एंड वॉच इट नाउ एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉच दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हमें फाइंड करना, जो ये वीडियो है इसमें हम 1.2 सॉल्व करेंगे। और जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें हमें फाइंड करना है, जो ये नंबर है इसे एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम फैक्टर्स के प्राइम फैक्टर्स में इसे एक्सप्रेस करना है इन नंबर्स को। पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है बेसिकली सिक्स का क्वेश्चन है। सिक्स में मैंने अभी स्टूडेंट को रिसेंटली पढ़ाया था, सिक्स क्लास में सेम क्वेश्चन था, कोई डिफरेंट नहीं था। और सोचो कि वो अब रियल नंबर्स क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि ये बेसिकली एक रिवीजन है आपके लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। आपको इसका एलसीएम निकालना होगा और जो भी एलसीएम हमारे नंबर्स आएंगे वही हमारे प्राइम नंबर होंगे और प्राइम नंबर वो बेसिकली हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहला है हमारा 140 का हम निकालते हैं। तो 2 से जाएगा 70, फिर 2 से 35, फिर 2 से, अब 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, अब ये 5 से 7 एंड 7 से देन 1, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2 × 2 × 5 × 7। समझ में आया? सो बेसिकली क्या, तो हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म ऑफ और एज अ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि ये हो गए हमारे सारे प्राइम नंबर्स और उन्हें हमें इस नंबर्स को हमने शो कर दिया एज अ प्राइम फैक्टर्स। यानी कि ये जो नंबर है ये 4140 है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे 2, 5 एंड 7। समझ में आया? तो यानी कि ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही आप 156 का निकाल सकते हैं। 156 का क्या होगा, 2 कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा, फास्ट गाइस फास्ट, 78 एंड 2 कितना आएगा, ये 39 एंड 2 से कटेगा नहीं, 3 से कितना आएगा 13 एंड 13 से 13। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे, तो 156 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2 × 2 × 3 × 13, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। तो ये हो गए हमारे सारे प्राइम नंबर्स। और बेसिकली क्या हो गया कि 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पे हम कैसे लिखेंगे या फिर एक्सप्रेस करेंगे, तो होगा हमारा 2 × 2 × 3 × 13। समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत लेवल, बहुत ही लो लेवल का है ये क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं हम, और जो सेकंड क्वेश्चन है गाइस उसमें हमें एलसीएम और एससीएफ फाइंड करना है, जो आप फर्स्ट आप सिक्स फिफ्थ में सॉल्व कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस को। आई थिंक आई डोंट नीड टू टेल दिस क्वेश्चन एंड, लेकिन गाइस एक रिलेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो रिलेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसका क्वेश्चन हमेशा एक नंबर का जरूर बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो उस फॉर्मूले को पहले देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला है, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइस ये है हमारा फॉर्मूला एलसीएम और एससीएफ का। सो बेसिकली अगर हम बात करें एलसीएम और एससीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या हो सकता है, तो इसका सिंपल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि अगर हम दो नंबर का एलसीएम और एससीएफ निकालते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेकंड के। तो पहला जो सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जो दो नंबर दे रखे हैं वो है हमारे पास 26 एंड 91। सो 26 एंड 91 का हमें पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा और एससीएफ निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, इसका निकाल लो एलसीएम साइड साइड में। तो 26 का क्या होगा, 2, 13 एंड 13 1 आ गया, और वहीं अगर 91 का निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, सबसे पहले किस चीज़ में जाएगा, ये 7, तो ये कितना आएगा हमारा 13 एंड देन उसके बाद 13, और ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया। तो यानी कि हम 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 13, और वहीं 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 13।
ये ले सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा हमें, एलसीएम कैसे फाइंड होगा, तो पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम होगा हमारा इसमें, इन दोनों के लिख लेंगे, कॉमन को सिर्फ एक बार लिखेंगे, यानी कि 13 कॉमन है, 13 को सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 7 × 13, ऐसे निकलेगा एलसीएम, या दोनों को एक साथ रख के कर सकते थे, एलसीएम निकाल सकते थे। सो ये हो जाएगा हमारा 2 × 7 = 14 एंड 14 × 13 जो कितना होगा हमारा, 14 × 13 जो होगा हमारा 2 एंड ये हो जाएगा हमारा 14 × 14 एंड 4 = 82। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 13 ही है, यानी कि ये क्या होगा हमारा एचसीएफ, कितना होगा हमारा 13। अब कंफर्म करेंगे गाइस कि क्या इस जो फॉर्मूला है इसे ये सेटिस्फाई करना है, नहीं करता है या नहीं करता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है नहीं करता है, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं अपने आप फाइंड करते हैं। तो देखते हैं एक बार, अगर मैं इसका एलएचएस देखूं, एलएचएस यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी कि इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या है हमारा 182 मल्टीप्लाई 13, तो निकाल दो 13 × 2 = 26, 13 × 8 = कितना होता है 13 × 8 = 104, और 104 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो 106 आ जाएगा, और 13 × 13 = 10 = 23 एंड 66। अगर हम राइट साइड वाला निकालते हैं, राइट साइड में क्या आएगा हमारा, इसको प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों नंबर का, तो दोनों नंबर क्या हमारा 26 एंड 91, इनका प्रोडक्ट निकाल देते हैं पहले, तो कितना आएगा इसका आंसर, सो इसका आ जाएगा हमारा 9 × 6 = 54 एंड 9 × 2 = 18, 18 और 5 कितना होगा हमारा 23, ठीक है, और प्लस 26 कर दो तो कितना हो जाएगा ये हमारा 260, इज दैट पॉसिबल, आई डोंट थिंक सो, है ना, 90 से मल्टीप्लाई करा इसे तो ये हो जाएगा हमारा, हाँ अब ठीक है, सॉरी, सो ये हो जाएगा हमारा इतना, तो ये 2 × 3 एंड 6 × 6, मैं शॉर्टकट तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा था बेसिकली, सी हो जाएगा हमारा 23 एंड 66। मैंने मल्टीप्लाई कैसे करा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले से 90 से मल्टीप्लाई करा इसको, ठीक है, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करा, तो 90 से मल्टीप्लाई करने पे इतना आया, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे इतना आया, और दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आएगा हमारा 23 एंड 66। शॉर्टकट तरीका है, जितना शॉर्टकट तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। सो गाइस अगर आप नोटिस करोगे दोनों वैल्यू हमारी बराबर आ रही है, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी कि वेरीफाइड, ठीक है। तो ऐसी गाइस जो दो क्वेश्चन हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 2 में वो भी सॉल्व हो जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा, उसमें हमें LCM और SCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो गाइस अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने अलग अलग निकाल के LCM कैसे निकाला, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है दो एक साथ तो वो भी निकाल सकते हैं, दोनों नंबर्स का एक साथ एलसीएम निकालते हैं ना, वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ऐसे 26 एंड 91 एंड 2 से करेंगे 13 एंड 91 एंड फिर करेंगे किससे, अब करेंगे हम 7 से, तो आएगा हमारा 13 एंड 13 से कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1 × 1, तो एलसीएम क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो बस, समझ में आया। सो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे गाइज, इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो ऐसे ही करना है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और जो इसका जो मेन क्वेश्चन है जो आपको तंग कर सकता है एंड में, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th, वो करेंगे। सबसे पहले मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ इनका, क्योंकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि आप भी बिगिनर हो, आप भी स्टार्ट 10th क्लास में आया हूँ, सो मेरे हिसाब से तो ईजी होंगे, लेकिन आपके हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, इसलिए मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। सो गाइस 3 में यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम,
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इसमें आप क्वेश्चन को आप बुक्स देख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो क्वेश्चन के क्वेश्चन से रिलेटेड। सो 12, 15 एंड 21। सो गाइस इन तीनों का हमें एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, अलग अलग आपको इसका एलसीएम करना पड़ेगा। सो इसका आ जाएगा हमारा 2 का 2 से, ये आ जाएगा 6, 2, 3, 3, 1। तो 12 का क्या हो गया हमारा, सो 12 का गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। सो यानी कि हम इसे ले सकते हैं 2 की पावर, अभी नहीं लिखना 2 की पावर, बाद में करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे 15 पे। तो 15 का इजी है, डायरेक्ट ले देता हूँ मैं, एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही होगा। तो 15 क्या होगा हमारा, 15 का होगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 21 का कितना होगा हमारा, 3 मल्टीप्लाई 7। सो गाइस जो चीज़ कॉमन आती है उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे एलसीएम में, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, जो कॉमन है उसे सिर्फ एक बार लिखना है, यानी कि 3 है ना 3 बार, तो उसे सिर्फ एक बार लिखना है और सबको एक साथ लिख देना है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 को एक बार लिखना है और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसे मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना आएगा, 4, 12, 60 और 420, ठीक है, मल्टीप्लाई करा मैंने सिर्फ। उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारे, इसमें कॉमन फैक्टर क्या होंगे हमारे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर होगा हमारा सिर्फ 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा, 3 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया 3 और 420 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, अंडरस्टूड। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, हाँ अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं आप। तो गाइस फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा ये। तो इसमें हमें एचसीएफ गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है और इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है, 306 एंड 657 का। तो क्या होगा, ठीक है, तो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था, रिलेशन बताई थी मैंने एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। सो गाइस हमें एचसीएफ गिवन है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सो सपोज मेरे दो नंबर है ए एंड बी, तो आपको क्या करना है, एलसीएम हमें पता नहीं है तो एलसीएम का एलसीएम लिख देंगे सिर्फ, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दे रखा है हमारा 9, और नंबर्स क्या है हमारे, ए को मान लिया मैंने 306 और 657 को मान लिया मैंने बी, तो यानी कि इतना। अब सिंपली आपको बस एलसीएम निकालने के लिए 9 को राइट साइड में ले जाना है। सो एलसीएम हो जाएगा हमारा 306 मल्टीप्लाई 657 बाय 9, एंड 9 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है ये, सी हो जाएगा हमारा समवेयर 3 एंड 4। सो 3, 4 आ गया, आप 3, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो होगा हमारा इसका आंसर। तो इसकी वाइज वैल्यू है हमारी 32 समथिंग आ रही है, हाँ तो 22, सो 22 एंड 338 आ रहा है इसका आंसर। इतना टाइम नहीं है, थोड़ा ये टाइम थोड़ा इसे कंज्यूमिंग का टाइम कंज्यूमिंग है, ये आप खुद कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे 5th नंबर क्वेश्चन पे गाइस, एंड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, लेट्स डू दैट। सो क्वेश्चन उठा लेते फटाफट। सो वेलकम बैक एंड गाइस वापस आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5th लेके, एंड इस क्वेश्चन में गाइस प्रूफ वाला क्वेश्चन है। हमें बोला है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट o या डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी कि 6 की पावर जो n नंबर है क्या वो एंड होगा 0 से फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, फॉर सो यानी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। सो गाइस अगर 6 की पावर n एंड होता है एंड विद डिजिट ओ या 0, इफ देन क्या होगा, अगर 0 से एंड होता है तो वो डिविजिबल बाय किसका होगा, वो डिविजिबल बाय होगा यानी कि देन 6 की पावर n विल बी डिविजिबल बाय 5,
होगा नहीं होगा, अगर 6 की पावर n एंड होता है 0 से तो 5 से डिवाइड होगा। अगर हम बात करें 6 की पावर n को प्राइम फैक्टर्स में लिखने की कोशिश करें तो 2 × 3 की पावर n यही होगा, एंड इट डज नॉट कंटेन एनी 5 नंबर, यानी कि ये 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। अगर ये 0 से एंड होता है तो 5 से डिवाइड होना चाहिए, और अगर हम इसका प्राइम फैक्टर करें तो इसमें 5 तो आता ही नहीं है, तो अगर 5 आता नहीं है तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। समझ में आ रहे हो मेरा पॉइंट क्या कह रहा हूँ मैं? सो बिकॉज सिंस, तो इसका आंसर होगा सिंस 6 की पावर n इंटू मल्टीप्लाइड 2 × 3 × 3 की पावर n डू नॉट कंटेन और डज नॉट कंटेन 5 एज प्राइम फैक्टर, तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफोर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। अब समझो क्या कह रहा हूँ मैं। अगर गाइस ये 0 से एंड होगा, 0 ये नंबर है बेसिकली, 6 की पावर n क्या है? नंबर है। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 कितना होगा? 216। समझ रहे हो? अगर ये एंड होता है 0 से तो ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 5 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि जो 0 से डिवाइड होते हैं यानी कि जिसके एंड में 0 आता है, जैसे कि 10 20 30 ये सारे किससे डिवाइड होते हैं? हमारे 5 से डिवाइड होते हैं ना, तो इसे भी 5 से डिवाइड होना चाहिए ना, लेकिन ये 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या आ रहे हैं हमारे? 2 और 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सोचने के लिए मजबूर किया था, तो जो सोचने के लिए मजबूर करे ऐसे क्वेश्चन, इट विल फंक्शन योर ब्रेन और हेल्प करेंगे आपके जो ब्रेन है उसको और मोर क्रिएटिव बनने के लिए। एंड लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 6, एंड इट इज़ क्वाइट अमेजिंग ऑल्सो। इसमें कंपोजिट नंबर बता रखा है, तो सबसे पहले आपको बताया तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा 6th class 5th class में कंपोजिट नंबर, और वही बेसिकली आपका रिविजन हो रहा है क्लास 10th में, क्योंकि क्लास 10th के बाद आपका जो लाइफ होगी वो पूरी तरह चेंज हो जाएगी मैथ में, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, इसलिए क्लास 10th में थोड़ा हमारा रिविजन भी चल रहा है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर में गाइज जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 4 से, क्योंकि 2 का फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 2, यानी कि 2 ही है। 3 के कितने फैक्टर होते हैं हमारे? 1 और 3 2 ही है। 4 के कितने होते हैं हमारे? 4 के कितने होते हैं? 1 2। ठीक है, यानी कि सॉरी 1 2 होता है और 4 भी होता है, यानी कि क्या होगा हमारे? कितने हैं हमारे? 4 है, सॉरी 3 है, यानी कि मोर देन 2 है, यानी कि ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो 4 से स्टार्ट होते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे हमारे? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 का क्या होगा हमारा? 1, 3 and 9, यानी कि मोर देन 2 है, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। समझ में आया? तो पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। सो गाइस, क्या जैसे कि मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि एक खुद का, वो एक खुद हो गया और एक फैक्टर अलग से होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल ले लो आप इसमें 4, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे हमारा? 1, 2 and 4, तो इसको भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो कितने हो गए? मोर देन 2 हो गए, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है हमारा 4। तो अब हमें प्रूफ करना है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में जो ये नंबर है और ये दूसरा नंबर है, ये दोनों कंपोजिट नंबर है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो हमें प्रूफ करना होगा कि मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, तो मोर देन 2 फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो ये बीच में ये प्लस साइन दे रखा है, ये सबसे पहला हमारा दिक्कत का काम है, इसे हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है। अगर ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया तो ये बेसिकली क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? वो मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। अब इसे मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करेंगे? तो पहले इस क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं। तो 7 × 11 × 13 + 13, अब इसमें 13 कॉमन लेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा 7 × 11 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 13, और ये हो जाएगा 77 + 1, यानी कि हो जाएगा हमारा 13
मल्टीप्लाई 78, ठीक है। तो 78 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 78 को लिख सकते हैं हम, तो 13 मल्टीप्लाई 78 को लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई, और क्या लिख सकते हैं, 2 का आधा कितना हो गया, और 3 मल्टीप्लाई 13, ये लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने फैक्टर्स है, 2 से ज़्यादा है, यानी कि 10 इज अ कंपोजिट नंबर, 10 दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, ये प्रूफ हो गया। अब इसको प्रूफ करेंगे, कहाँ है दूसरा नंबर, कहाँ है, इसको भी जल्दी से कर देते हैं, सॉरी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ गया। तो 75 बोलो 6 एंड 5 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, अगेन 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1, 1 को छोड़ देते हैं इस वाले इसमें मल्टीप्लाई को 1 को छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होगा गाइस, बेसिकली क्या होगा, हाँ सो अगर इसमें हम प्लस 1 कर देंगे तो कितना आएगा हमारा ये, सो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 1008 प्लस 1, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1009। अब ये किससे डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें पहले से ही मोर देन टू फैक्टर्स है, यानी कि हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स सिंपली, सो हम क्या होगा, जो ये नंबर है ये क्या होगा हमारा, इज अ कंपोजिट नंबर। समझ में आया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, तो जल्दी से मैं क्वेश्चन 7 उतार के इस एक्सरसाइज को ख़त्म करता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, तो गाइस क्वेश्चन लिख नहीं पाऊँगा, मैं इसकी फोटो लगा दूंगा इस वीडियो पे, सो आप उसे देख के क्वेश्चन पढ़ सकते हो या फिर अपनी बुक से पढ़ सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो अपनी बुक से, सो इससे मेरा काम और ईजी हो जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द क्वेश्चन फर्स्ट। सो गाइस मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ तो आपके लिए। सो क्वेश्चन कह रहा है देयर इज़ अ सर्कल पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी कि एक स्पोर्ट फील्ड है कि सर्कुलर एक बेसिकली सर्कुलर पाथ है, यानी कि जैसे हमारा ग्राउंड होता है क्रिकेट ग्राउंड, उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ होगा, उस पर जो सोनिया है एक राउंड करने के लिए, एक राउंड वॉक करने के लिए कितना लेती है, 18 मिनट्स लेती है, ठीक है, या फिर वॉक या रन करने के लिए 18 मिनट्स लेती है, और वहीं जो रवि है वो 12 मिनट्स लेता है फॉर द सेम, यानी कि एक राउंड लेने के लिए रवि लेता है 12 मिनट, तो सोनिया लेती है 18 मिनट्स, ठीक है। और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आएंगे गाइस क्लास 10th में और 12th में भी, क्योंकि अब जो हमारा एजुकेशन बोर्ड है वो काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, एज यू नो दैट। सो जो वो रवि है वो कितना ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है, 12 मिनट्स। और गाइस जैसे सपोज ये हमारा ग्राउंड है, स्पोर्ट फील्ड है, और इसके चारों ओर एक हमारा सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ ये रन कर रहे हैं या फिर वॉक कर रहे हैं, व्हाटएवर दे वांट टू ट्राई। एंड उसके बाद गाइस हमें बताना है कि सपोज इन्होंने दोनों ने एक पॉइंट से स्टार्ट करा है और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करा है। अब क्योंकि रवि ज़्यादा तेज भाग रहा है यानी कि वो आगे होगा, लेकिन हमें बताना है कि कौन से टाइम पे कितने मिनट बाद दोनों एक ही, यानी कि दोनों एक साथ मिलेंगे, तो क्या होगा, रवि थोड़ा आगे निकल जाएगा और ये थोड़ी पीछे रह जाएगी, रवि वापस से इधर आ जाएगा, तो एक टाइम पे क्या होगा, रवि यहाँ है और सोनिया यहाँ है, लेकिन रवि क्या होगा, एक राउंड आगे निकल जाएगा, लेकिन हमें बताना है कि कितने मिनट्स बाद दोनों वापस मिलेंगे। अभी तो दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए गाइस हमारा सिंपल है, हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो एलसीएम फाइंड करेंगे किसका, 12 का और 18 का, हमारा आंसर निकल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूज़ ऑफ मैथ, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में हम मैथ को कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि अपने रियल लाइफ में मैथ को कैसे यूज़ करते हैं, वो है ये रियल, बोलते हैं ना मैथ कर ली भाई यूज़ तो पता ही नहीं हमें, तो इनके भी एप्लीकेशन होती है, वहाँ यूज़ होती है ये सारी मैथ, ठीक है। सो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, दोनों का कितना आएगा हमारा 12 18, सो 2 से आएगा हमारा 6 और ये होगा हमारा 9, फिर 2 से ये होगा हमारा 3, ये होगा 9, फिर 3 1
थ्री एंड फिर थ्री वन वन, तो ये कितना हो जाएगा, टू टू जो फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा 36, यानी कि 36 मिनट बाद दे विल मीट अगेन। क्योंकि गाइज जब ये क्योंकि ये जब तेज भाग रहा होगा, रवि तेज भाग रहा होगा, तो ये आगे निकल जाएगा और ये पीछे रह जाएगी सोनिया, लेकिन एक टाइम बाद रवि वापस से राउंड लगा के यहाँ आ जाएगा और सोनिया भी इसी पॉइंट पे होगी, यानी कि एक पॉइंट पे होगी जब दोनों एक साथ दोबारा मिलेंगे, तो वो पॉइंट बताना है और कितने मिनट बाद मिलेंगे ये बताना था हमें इस क्वेश्चन में। तो सिंपल आपको एलसीएम फाइंड करना था, एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज इफ यू आर न्यू ऑन चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।